हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और हमारे इस चैनल में हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, इनसे रिलेटेड स्टडी वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की खासकर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी वालों के लिए इंग्लिश का लेक्चर। ठीक है, इंग्लिश का लेक्चर है और ये है लेक्चर नंबर 4। वेट, हाँ दोस्तों, तो देखते हैं। तो एसएससी जीडी और एमटीएस वालों के लिए इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 एंड लेक्चर नंबर 3 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किया था। इसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, या जब ये वीडियो एंड होगी तो उसके बाद आपको प्लेलिस्ट और सब्सक्राइब बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों सिनोनिम्स को। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है आज का सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिनोनिम्स होते क्या हैं। सिनोनिम्स मींस, हिंदी में इनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यानी कि, और इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स, वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स या क्लोजेस्ट मीनिंग। ठीक है, सिमिलर मीनिंग, तो इनको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। यानी कि ऐसे दो वर्ड जिनकी सिमिलर टाइप की मीनिंग होगी उसको हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के लिए। देखो एग्जांपल फर्स्ट देखो, पैरोकियल। पैरोकियल की मीनिंग क्या हो सकती है दोस्तों? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ए जेनरस, बी है नैरो माइंडेड, सी है ब्रेव, डी है शॉर्ट साइटेड। तो दोस्तों पैरोकियल मीन्स होता है संकुचितता। ठीक है, किसी के अंदर संकुचित मानसिकता हो उसको हम पैरोकियल माइंडसेट कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? अब जेनरस की मीनिंग आपको पता होगी, जेनरस मीन्स होता है दयालुता या काइंडनेस। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है नैरो माइंडेड, तो ये एकदम सही हो जाएगा। नैरो माइंडेड मीन्स संकुचित मानसिकता होती है, तो पैरोकियल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैरो माइंडेड। अब सी है इसमें ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, ये नहीं हो सकता। शॉर्ट साइटेड मीन्स होता है निकट दृष्टि रखने वाला। ठीक है, जो दूर का ना देख सके, चाहे वो आप किसी भी टर्म में कह सकते हैं, जैसे प्लानिंग में भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो दूर की नहीं सोचते हैं, बस पास की सोचते हैं और किसी चीज को कोई एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम शॉर्ट साइटेड कहेंगे। या कुछ कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ पास का दिखता हो, दूर का ना दिखता हो, उसको भी हम शॉर्ट साइटेड में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नैरो माइंडेड। अब चलते हैं नेक्स्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वे। दोस्तों मैं सारी की मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि वहां तो कोई भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको मीनिंग अगर पता हो तो आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वहां पर ढूंढ के लिख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको मीनिंग सब ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की पता हो। ठीक है, अगर आपकी मीनिंग्स आपको ज्यादा से ज्यादा वर्डों की पता होगी तो ज्यादा चांसेस है कि आप सही वहां पर क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्वे। क्वे मीन्स क्या होता है वो चीज हम देखेंगे। ऑप्शन है ए पेनिनसुला, बी वार्फ, सी है टारगेट, डी है आइलैंड। तो क्वे मीन्स होता है दोस्तों जो समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, सीप्स होते हैं, उनका जो स्थान होता है जहां पर वो रुकते हैं, या उनका घाट होता है जहां पर उनका पार्किंग की जाती है उन जहाजों की बड़े बड़े, उसको हम क्वे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो सबसे पहला ए ऑप्शन है पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। पेनिनसुला मीन्स ऐसा लैंड जो 3 साइडेड से वाटर से घिरा हो। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इस तरीके से इंडिया है। ठीक है, ये वाले रीजन, ये गुजरात से नीचे वाले रीजन में भी यहाँ पर वाटर है, उसके बाद नीचे जहाँ पर श्रीलंका आता है उधर पर भी वाटर है, और इधर साइड भी आपको वाटर ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से 3 जगह से जो है वो इंडिया इससे घिरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इंडिया इज अ पेनिनसुला। तो पेनिनसुला तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम समुद्री जहाज के घाट की बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन है वार्फ। वार्फ मीन्स होता है समुद्री जहाजों का घाट। ठीक है, तो क्वे का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा वार्फ। तो बी ऑप्शन इसमें एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरे और चौथे वर्ड को भी देख लेते हैं। टारगेट। टारगेट मीन्स होता है लक्ष्य या मिशन। ठीक है, फिर डी ऑप्शन है आइलैंड। आइलैंड मीन्स देखो दोस्तों, जैसे पेनिनसुला मैंने बताया कि जो 3 तरफ से घिरा हो समुद्र से, जैसे कि इंडिया, ऐसे आइलैंड मीन्स जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, जैसे कि कोई टापू, जैसे हम बात करते हैं हमारे आइलैंडों की बात करते हैं, जैसे लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप जो है वो ऐसे टापू है और वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज आइलैंड। फिर लक्षद्वीप कह रहा हूँ मैं, अंडमान एंड निकोबार, सॉरी, हाँ लक्षद्वीप तो कैपिटल हो गई उसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
फिर है थर्ड ऑप्शन डिसकंफाइटेड. व्हाट डू यू मीन बाय डिसकंफाइटेड? डिसकंफाइटेड और इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बात करेंगे. फिर ए है इरिटेट, बी है अनकंफर्टेबल, सी है इम्ब्रेस्ड और डी है डिसप्लीज्ड. ठीक है, अब डिसकंफाइटेड मींस होता है व्याकुल हो जाना. ठीक है, व्याकुल हो जाना मींस डिसकंफर्टेबल टाइप की हम कह सकते हैं, डिसकंफर्ट हो जाना इज कॉल्ड डिसकंफाइटेड. ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन है इरिटेड, इरिटेड हो जाना, किसी चीज से इरिटेड हो जाना. तो ये इरिटेड तो इसको इतना क्लोजेस्ट मीनिंग नहीं रखता है. अब देखो अनकंफर्टेबल, जब आप व्याकुल हो जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, तो ये एक सही चीज है, डिसकंफर्टेड को ये जस्टिफाई कर सकता है. ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन इम्बेरेस्ड. इम्बेरेंस मीन्स शर्मिंदा हो जाना. जैसे कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं दोस्तों, तो उस टाइम भी आप व्याकुल हो जाते हैं, आप स्थिर नहीं रह पाते हैं एक जगह पे, तो ये डिसकंफर्टेबल यहाँ पर भी आप हो जाते हैं जब आप इम्बेरेस्ड हो तो. ठीक है, तो ये भी दोनों ऑप्शन इसमें जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग रखते हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन इस टाइप के आ जाते हैं तो कोई भी लगा सकते हैं, इनमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं दोस्तों. फिर है डिसप्लीज्ड. डिसप्लीज्ड मीन्स किसी से नाखुश होना, तो ये इतना वो नहीं रखता है. तो इसमें अनकंफर्टेबल और इम्बेरेस्ड ये दोनों जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग रखते हैं. अगर ये पूरे सेंटेंस के साथ आया हो तो दोस्तों आप इनमें से आराम से चुन सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही कोई वर्ड आया हो और जिसमें दो क्लोजेस्ट लग रहे हो तो आप किसी को भी लगा सकते हैं. ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में सबको मार्क्स मिलते हैं. फिर चलते हैं दोस्तों फोर्थ, डेबंकिंग. डिबंकिंग मींस होता है किसी, क्या होता है वो देखेंगे पहले. ठीक है, अभी नहीं बताता हूं मैं. ऑप्शन है इसमें ए एक्सपोजिंग, बी है चीटिंग, सी है थ्रेटनिंग या डी है पैसिफाइंग. दोस्तों आप खुद से सोचिए कि क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, अब देखो डेबंकिंग मीन्स क्या होता है कि किसी चीज को उछालना, किसी मुद्दे को उछालते हैं जब, तो उसको कहते हैं डिबंकिंग. ठीक है, जैसे मीडिया उछालती है किसी चीज को, तो मीडिया का काम क्या है, डिबंकिंग करना. तो ए ऑप्शन है एक्सपोजिंग, तो ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा. एक्सपोज करना किसी चीज, किसी मुद्दे को उछालना या एक्सपोज करना, जनता के सामने लाना, दिस इज कॉल्ड डिबंकिंग. तो ये इसकी राइट मीनिंग हो जाएगी, ऑप्शन ए एक्सपोजिंग. ठीक है, डिबंकिंग की राइट मीनिंग हो जाएगी. अब बाकी के वर्ड्स देख लेते हैं. चीटिंग, चीटिंग मीन्स आप सबको पता होगा. थ्रेटनिंग मीन्स होता है दोस्तों डरना, किसी चीज को लेकर डरना, थ्रेटनिंग होना. फिर है पैसिफाइंग. ठीक है दोस्तों, तो पैसिफाई, पैसिफाई मींस होता है किसी मुद्दे को लेके एकदम सटीक रहना. ठीक है, उसको कहते हैं पैसिफाई होना. ठीक है, उसको हम कह सकते हैं पैसिफाई, किसी मुद्दे से स्थिर रहना, उसको हम पैसिफाई करेंगे. ठीक है, फिर फिफ्थ ऑप्शन है एबॉर्टिव. अब इसमें एबॉर्टिव की क्या मीनिंग हो सकती है दोस्तों? एबॉर्टिव, एबॉर्ट करना. ठीक है, अभी हम देखेंगे, पहले आप खुद से दिमाग लगाइए. ए ऑप्शन है फ्रूटफुल, बी ऑप्शन है फेमिलियर, सी ऑप्शन है अनसक्सेसफुल या डी ऑप्शन है कंज्यूमिंग. तो इसमें एबॉर्टिव की जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग होगी वो क्या हो सकती है? तो दोस्तों एबॉर्टिव मींस क्या होता है? एबॉर्टिव मींस किसी चीज को शुरू होने से पहले ही जब हम खत्म कर देते हैं, टू स्टॉप द थिंग बिफोर स्टार्टिंग. ठीक है, तो उसको एबॉर्टिव करते हैं, उसको एबॉर्ट करना कहते हैं. अब ए ऑप्शन है फ्रूटफुल. फ्रूटफुल मींस क्या होता है? फलदाई. अब कोई भी चीज फलदाई कब होगी? जब वो पूरी होगी, कंप्लीट होगी, उसको हम स्टॉप कर देंगे, देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल. और कोई चीज फ्रूटफुल हो रही है तो हम उसको स्टॉप भी नहीं करेंगे, राइट? तो ये ऑप्शन तो इसमें एकदम इनकरेक्ट है. फिर है फेमिलियर. फेमिलियर मींस घुला मिला या किसी चीज से परिचित. ठीक है, तो ये तो कहीं भी इससे वो नहीं रखता है, तो आप बस वर्ड की मीनिंग जान लो. फेमिलियर मींस होता है घुला मिला या परिचित. फिर है सी ऑप्शन अनसक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल में जो चीज सक्सेसफुल ना हुई हो, तो दोस्तों हम किसी चीज को अबॉर्ट कब करेंगे? जब वो चीज क्या हो, अनसक्सेसफुल हो. तो ये इसका एकदम सही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कंज्यूमिंग. कंज्यूमिंग मींस क्या होता है? किसी चीज को कंज्यूम करना, ईट करना या किसी चीज को ग्रहण करना. तो ये भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है. तो जो राइट आंसर हो जाएगा एबॉर्टिव का, हो जाएगा अनसक्सेसफुल. फिर चलते हैं सिस्त. सिस्त में पूछा गया है सिनोनिम ऑफ टर्स. टर्स की क्या मीनिंग हो सकती है दोस्तों? तो टर्स मींस क्या होता है? जब आप अनफ्रेंडली वे से या बिना ज्यादा फ्रेंडली वे से जब छोटी सी बात कहते हैं किसी से, तो उसको हम टर्स कहते हैं. तो इसमें ए ऑप्शन है ब्रीफ इन स्पीच. ठीक है, यानी कि ब्रीफ रहना अपनी स्पीच में, छोटी सी स्पीच करना. तो यही इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों. अब बी ऑप्शन है बियॉन्ड फियर, यानी कि डर से बाहर. ये तो ताल्लुक रखता ही नहीं है टर्स से. विदाउट ऑनर मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल जब किसी से बात करते हैं. तो मैंने क्या कहा, टर्स में आप क्या होता है कि अनफ्रेंडली वे में, जैसे आप घुले मिले नहीं है किसी से, तब आप छोटी सी उससे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्स. वो स्टेटमेंट आपका टर्स है, लेकिन इसमें विदाउट ऑनर ये इससे ताल्लुक नहीं रखता है. फिर है अंडर स्ट्रेन. अंडर स्ट्रेन मीन्स घबराहट में रहना या स्ट्रेन में रह के किसी से बात करना. नो, ये भी इससे सेटिस्फाई नहीं करता है. तो टर्स का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रीफ इन स्पीच. फिर सेवन है टेंटेटिव.
टेंटेटिव मींस क्या होता है दोस्तों, ये चीज पूछी गई है। ए ऑप्शन है मॉकिंग, बी ऑप्शन है व्राई, सी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल या डी ऑप्शन है प्रीवलेंट। ठीक है, तो टेंटेटिव की राइट मीनिंग क्या हो सकती है दोस्तों, टेंटेटिव मींस क्या होता है, आपने सुना भी होगा टेंटेटिव डेट सीट, ऐसी चीज जो अनसर्टेन है, अभी पक्की नहीं है। जैसे आपकी डेट आती है, ठीक है, एग्जाम की डेट आती है, तो हम कहते हैं शुरू में ये टेंटेटिव डेट सीट आई है, फाइनल डेट सीट आनी बची है, यानी कि अनसर्टेन डेट सीट जो कि अभी पक्का नहीं है कि यही होगा या नहीं होगा, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेंटेटिव कहते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ए ऑप्शन में आपका पूछा गया है कि मॉकिंग, मॉकिंग मींस क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी को चिढ़ाते हैं या किसी को कॉपी करते हैं उसको चिढ़ाने के लिए, उसी के जैसे एक्शन फॉलो करते हैं या उसी की तरफ बोलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज मॉकिंग। ठीक है, अब फिर अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो ये तो टेंटेटिव से कोई ताल्लुक रखता ही नहीं है, तो मॉकिंग ऑप्शन तो हमने हटा दिया। फिर है डब्ल्यू आर आई, राई। ठीक है, तो राई की मीनिंग क्या होती है, राई मींस होता है जिसमें निराशा, ठीक है, निराशा, अगर हमें किसी चीज से निराशा हो जाए या हम डिससेटिस्फेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट हो किसी चीज से, तो उसको हम कहते हैं राई। तो ये एकदम रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इसमें निराशा की तो कोई बात ही नहीं है टेंटेटिव में। फिर सी है एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल मींस होता है दोस्तों जब किसी चीज को लेके एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट हम किसी चीज का कब करते हैं, जब उससे हम अनसर्टेन हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक हम उससे अनसर्टेन रहते हैं, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर टेंटेटिव। तो एक्सपेरिमेंटल डेट सीट या टेंटेटिव डेट सीट आप कह सकते हैं। अब डी ऑप्शन है प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, प्रीवेलेंट मीन्स होता है प्रचलित, कोई चीज जैसे किसी लोकल एरिया में प्रचलित हो तो हम कह सकते हैं दैट इट इज प्रीवेलेंट इन दिस एरिया। ठीक है, तो ये एकदम गलत ऑप्शन है फॉर टेंटेटिव। अब चलते हैं, तो इसमें जो टेंटेटिव की राइट मीनिंग हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल। फिर एट्थ ऑप्शन है रियलाइज, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे रियलाइज की मीनिंग, और ऑप्शन आपके सामने जो है दोस्तों वो है सेवर, और फिर है विंडिकेट, फिर है अवेल, ठीक है, फिर है अवेल, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास डिजायर। ठीक है, तो डिजायर मीन्स क्या होता है, चाहत। ठीक है, और रियलाइज की मीनिंग क्या होती है, रियलाइज मींस होता है बहुत ही उत्सुक रहना, किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहना, इंजॉयमेंट में रहना, इसको हम रियलाइज कहते हैं। ठीक है, इंजॉयमेंट में रहना या किसी चीज को लेके आप पेशेंस खो देते हैं, एक्साइटमेंट में इतना रहते हैं किसी चीज का, बहुत ही व्याकुलता से जब आप वेट करते हैं तो उसको हम रियलाइज कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सेवर, तो सेवर भी मींस वही होता है एक्साइटेड रहना, बट ये सेवर की हम जो सेवर वर्ड है इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के खाने को लेके या पीने को लेके जब एक्साइटेड रहते हैं तो उसको हम सेवर में लेते हैं। ठीक है, तो सेवर मींस होता है कि बीइंग एक्साइटेड फॉर ईटिंग समथिंग, ठीक है, ईटिंग समथिंग या किसी चीज को खाने पीने को लेके जब हम एक्साइटेड रहते हैं तो उसको सेवर कहते हैं। बट रियलाइज इंजॉयमेंट हम हर चीज के लिए यूज करते हैं और सेवर पर्टिकुलरली एडिबल चीजों के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता है, तो इसको हम काट लेंगे। फिर बी ऑप्शन है विंडिकेट। अब देखो दोस्तों, विंडिकेट मींस क्या होता है, विंडिकेट मींस होता है जस्टिफाई करना, किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं जब आप किसी चीज को सत्य प्रूफ करने की आप कोशिश करते हैं तो उसको विंडिकेट कहते हैं, इसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसको भी ऑप्शन को काट देंगे। सी ऑप्शन है अवेल, अवेल करना, किसी ऑफर का बेनिफिट लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप जब किसी चीज का बेनिफिट लेते हैं दैट मींस यू आर इन द एंजॉयमेंट। ठीक है, जो ये अवेल वर्ड है आपने सुना भी होगा, टू अवेल दिस ऑफर कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, यानी कि इस ऑफर को, इस ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए, इस ऑफर को इंजॉय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, तो ये सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन है डिजायर, डिजायर की मीन्स होती है मनसा या चाहत, तो ये भी ऑप्शन इससे वो नहीं रहता है, तो रियलाइज की राइट मीनिंग हो जाएगी अवेल। फिर नाइन्थ है पिनियन, तो पिनियन की यहाँ पर मीनिंग पूछी गई है, ए ऑप्शन है रिवील, बी ऑप्शन है सबमिट, या सी ऑप्शन है रेस्ट्रेन, डी ऑप्शन है एक्सप्रेस। ठीक है, तो ओपिनियन मींस क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज को बाउंड करते हैं, ठीक है, बाउंड करते हैं या किसी चीज को बाइंड करते हैं, हम किसी चीज को रोकते हैं, दैट इट इज कॉल्ड एज द ओपिनियन, उसको हम ओपिनियन कहा जाता है। अब ए ऑप्शन है रिवील करना, रिवील करना मींस किसी चीज को बखान कर देना। ठीक है, जब हम किसी कोई बात हमारे पास होती है और उसको हम सबको बता दें, दैट मींस हमने उस बात को क्या कर दिया, रिवील कर दिया सबके सामने।
बी ऑप्शन है सबमिट, सबमिट मींस जमा करना, ये भी नहीं हो सकता, इससे ताल्लुकात नहीं रखता है ये दोनों वर्ड। फिर सी ऑप्शन है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मींस किसी चीज को बांधे रखना, किसी चीज को पीछे की ओर को खींचना, इसको ये ऑप्शन एकदम सही हो सकता है रिस्ट्रेन। ठीक है, जैसे कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, कुछ कोई जो है हाथ पकड़ लेता है उसके हाथ, जैसे कोई मारने वाला होता है तो उसका हाथ पकड़ देते हैं, तो उसको क्या करते हैं रिस्ट्रेन कर देते हैं, उसके हाथ को बांध देते हैं, बाइंड कर देते हैं। सो जो राइट ऑप्शन होगा इसका सी रिस्ट्रेन हो जाएगा, तो ओपिनियन का राइट ऑप्शन हो जाएगा रिस्ट्रेन सी ऑप्शन। ऑलराइट, फिर डी ऑप्शन है एक्सप्रेस करना किसी चीज को, एक्सप्रेस बस यही एक्सप्रेस ही था, एक्सप्रेस मींस। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, पिनेकल, पिनेकल की क्या मीनिंग हो सकती है दोस्तों, ए ऑप्शन है पास, बी ऑप्शन है टॉन्ट, सी ऑप्शन है पीक या डी ऑप्शन है फुटहिल्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप पहले सोचिए, फिर मैं इसको बताऊं। तो दोस्तों पिनेकल मींस क्या होता है, पिनेकल मींस जो कोई, जैसे आपने देखा होगा जो ऐसी तीखी चीज होती है उसको हम पिनेकल कहा जाता है। ठीक है, तीखी चीज होती है किसी चीज में उसको पिनेकल कहा जाता है। अब ए ऑप्शन है पास, पास मींस क्या होता है, एक दर्रा, दर्रा को हम पास कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पास नहीं होगा इसका जो राइट आंसर, क्योंकि तीखेपन की बात कर रहे हैं हम। फिर टॉन्ट, टॉन्ट मींस किसी में टॉन्ट कसना या किसी को जो है सुनाना किसी चीज को लेके, तो ये भी इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। पीक, पीक मींस क्या होता है दोस्तों, चोटियों का जो टॉप होता है उसको हम पीक कहते हैं, और जो चोटियों का पीक होता है वो कैसा होता है, वो तीखा ही होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है ऑप्शन डी फुट हिल्स, फुट हिल्स मतलब कि पहाड़ों का नीचे का हिस्सा, तो ये तीखा नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पीक, और ये डी ऑप्शन भी इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो पिनेकल की जो राइट मीनिंग है, क्लोजेस्ट मीनिंग है यहाँ पर, वो है पीक। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर 10 सिनोनिम्स आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपका कोई भी सजेशन है, ठीक है, कि इस तरीके से समझाना चाहिए था या ऐसा कुछ करना चाहिए था, तो सजेशन अगर आपका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कोई वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस वीडियो, इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, हर एक की मीनिंग आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक को देख के ही हमें और मन करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें। तो आपको पसंद आ रहा है ये कोर्स तो लाइक कर देना, और कमेंट में बताना जो जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी अपना कमेंट में बताना कि हम इस कोर्स को देख रहे हैं करके, ताकि जल्द से जल्द मैं वीडियो लेके आऊं, पता चले कि कौन कौन लोग हमारे इस कोर्स से जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना दो अपने और फ्रेंड्स में जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल की, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं इस कोर्स को, ताकि वो भी अवेल कर सकें इस कोर्स में। ठीक है, तो अवेल की मीनिंग क्या बताई थी, बेनिफिट, बेनिफिट ले सकें इस कोर्स का, तो शेयर कर देना। और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल को, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी, एक सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा, वहां पर से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और पुराने प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए भी यहाँ पर एक एंड स्क्रीन अभी आ जाएगी, तो वहां से आप कर सकते हैं दोस्तों, उस और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।